टेलीविजन शो पर महिलाओं के खिलाफ दिए गए बयान पर आलोचना झेल रहे क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और लोकेश राहुल पर भारतीय टीम के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ ने अपनी राय दी है। द्रविड़ मानते हैं कि इस विवाद के बाद दोनों बेहतर खिलाड़ी के रूप में सामने आकर मैदान पर अपनी चमक बिखेरेंगे। द्रविड़ ने एक इंटरव्यू में कहा, मैं समझता हूँ कि दोनों खिलाड़ियों ने अब तक अपने खेल की प्रकाष्ठा नहीं हासिल की और मौजूदा विवाद से दोनों निखर कर निकलेंगे और एक खिलाड़ी के तौर पर खेल के हर प्रारूप में अपनी काबिलियत को साबित करेंगे। फिल्मकार करण जौहर के कार्यक्रम कॉफी विद करण में किए गए आपत्तिजनक बयान के बाद बीसीसीआई ने तत्काल प्रभाव से दोनों खिलाड़ियों को प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन अब वो खेल सकते हैं क्योंकि बीसीसीआई ने उन पर से प्रतिबंध हटा लिया है। द्रविड़ मानते हैं कि इन दोनों खिलाड़ियों को इस खराब दौर के भुलाकर आगे देखना चाहिए और अपने खेल पर ध्यान देना चाहिए। द्रविड़ ने कहा, निश्चित तौर पर मुझे कोई शक नहीं है, मैं दोनों को प्रशिक्षित किया है। मैं नहीं समझता कि उस इंटरव्यू से दोनों खिलाड़ियों के असल चरित्र सामने आया है। आशा है कि ये दोनों इस खराब चैप्टर को भुलाकर आगे देखेंगे और खेल में अपनी चमक दिखाएंगे। अगर वो ऐसा करने में सफल रहते हैं तो निश्चित तौर पर रोल मॉडल होंगे। द्रविड़ मानते हैं कि खिलाड़ी और सेलिब्रिटी गलती कर सकते हैं क्योंकि ये सीखने और आगे बढ़ने का हिस्सा है। द्रविड़ ने इस घटना की जड़ में जाने की कोशिश करते हुए युवाओं के बारे में बात की। उनका मानना है कि युवाओं के खुद को खास समझने के कारण सिर्फ रातों रात मिली शोहरत या पैसा नहीं बल्कि शुरुआती सालों में माता पिता की जरूरत से ज्यादा मिलने वाली तवज्जो भी नुकसानदेह है। द्रविड़ ने हाल ही में एक टीवी शो पर महिला विरोधी बयान देने वाले क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और केएल राहुल को लेकर उपजे विवाद के बाद ये बात कही। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अमन यादव, पंजाब केसरी से दिल्ली।